गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे आपको आपके लिए जो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करी जा रही है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आप जो वीडियो वगैरह वो कंप्लीट देखा करो। जो आप थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन कम ले रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा सा जब तक आपकी ऑफलाइन क्लास नहीं होती तो आप ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करो। कल भी एक बच्चे की कॉल आई हुई थी, वो बच्चा बोला कि सर मैं ऑनलाइन क्लास ही नहीं पढ़ूँगा। मैं यार ट्राई तो कर ले एक बार, बोला कुछ समझ ही नहीं आएगा, क्या फ़ायदा, मेरे घर पर लैपटॉप नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। तो उसने ये बात कही, मैं बोला तुम मेरे कहने पर पढ़ तो सही आज एक लेक्चर जो भी है। तो उसने एक लेक्चर थ्योरी का उठाया, बोला सर समझ तो आ गया मेरे को, लेकिन अब मैं कंप्यूटर में कैसे क्या करूँ, जो वो चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही। मैं बोला वो तो चल मैं तेरी बात ठीक है, लेकिन तू ये कह रहा था ना कि भाई ये चीज़ मेरे को समझ ही नहीं आएगी, आ रही होगी समझ में, तो बात ऐसी नहीं है, ठीक है। तो जितना तुम करोगे ना हमारे लिए भी उतना बेनिफिट है, ठीक है। भाई तुम ये कह दो भाई वो चीज़ आ नहीं रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, जब तक तुम कर ही नहीं रहे फिर फ़ायदा क्या उसका, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे हमने GST का टॉपिक किया था उसके अंदर हमने क्या किया था कि आपने इसमें GST के अंदर आपने तीनों इंडियन टैक्स इंक्लूड किए थे, ठीक है। जो हमारा टैक्सेशन का टॉपिक आपका जो हमारा टैक्सेशन टॉपिक है, ठीक है, कौन सा GST आज का जो हमारा GST के अंदर जो आपने फीडबैक किया था पहले, तो एक हमने SGST इंक्लूड किया था, CGST इंक्लूड किया था, प्लस हमने क्या इंक्लूड किया था IGST, उसके बाद हमने क्या इंक्लूड किया था सेस, और उसके बाद हमने क्या इंक्लूड किया था राउंड ऑफ इंक्लूड किया था, ठीक है। फिर हमने अलग अलग क्या शो की थी, डिफरेंट वैल्यू शो की थी हमने क्या शो किया था, डिफरेंट वैल्यू शो की थी किसकी, टैक्स की। तो ये कंडीशन ने रिपीट की है, ठीक है। मतलब जैसे भी मैं आपको अगला टॉपिक करवाता था तो ये चीज़ें हम फीडबैक में लेते थे, तो वही चीज़ें जो आप करते आ रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ आपका क्लोज हो चुका है, फाइनल चैप्टर का आपका लेक्चर रिकॉर्ड, ठीक है, वो आपका फाइनल चैप्टर का जो जैसे हमने आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया गया, धीरे धीरे वो चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग अपलोड होएगी आपके गूगल क्लासरूम में, ठीक है। हम ऐसे डायरेक्टली नहीं मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप स्टेप बाय स्टेप रिवीजन करेंगे ना उतना अपने लिए बेनिफिट है। तो ये चीज़ हम कर चुके हैं। अब हमारा जो ऑप्शन आता है इसके बाद मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है आपके लिए GST फाइनल चैप्टर के नाम से, मतलब उसके अंदर ये सब कुछ इंक्लूड आपका, ठीक है, सब कुछ क्या है इंक्लूड है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अब जो हमारा अगला जो टॉपिक आएगा वो हमारा क्या आएगा, GST के अंदर परचेज और सेल्स को लेके जनरल एंट्री कैसे मेंशन की जाती है, मतलब जो ट्रांजैक्शन होती है वो कैसे मेंशन करी जाती है आप, ठीक है, मतलब जनरल एंट्री को लेके हम कैसे ट्रांजैक्शन मेंशन करें, भाई आप उसकी जनरल एंट्री कैसे बनाएं, ठीक है। आज अपना जो थ्योरी का पार्ट है जो हमारा नेक्स्ट अगले दिन जो होएगा GST जो प्रैक्टिकल अपना जो ये ट्रांजेक्शन का जनरल एंट्री का है उसके अकॉर्डिंग में जो आज आप इसमें थ्योरेटिकल कर रहे हैं उसी चीज़ को आप क्या कर लेंगे, प्रैक्टिकली कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हमारा क्या थ्योरी का कंसेप्ट आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हम एक नए सिरे से उसको स्टार्ट करें। वन मिनट स्टूडेंट्स, इतने आप कुछ और डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे आप क्या करते हो, कोई टॉपिक करते हो जैसे आप, ठीक है, तो जैसे आप कोई टॉपिक करते हो तो कई बार आप उस टॉपिक को करने के बाद, एक दो लड़कियों की कॉल आई थी मेरे पास, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए थे, उसमें कह रहे थे कि सर हमारा ना मतलब दो से तीन बार करते ठीक आ जाता है, लेकिन जब बाद में और कभी करते हैं ना, मतलब टाइम थोड़ा सा टाइम देने के बाद में अगर हम करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि वो आंसर आता ही नहीं हमारा। वो आंसर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि प्रैक्टिस तो तुम कर रहे हो, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि कई बार हम कुछ एक स्टेप ऐसे रह जाते हैं, या तो हम ये सोचते हैं जैसे आप नोट करते हैं ना, तो आप कई बार ये कहते हैं कि हाँ ये तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो इसको, वो आप नोट नहीं करते वो टॉपिक, मतलब वो जो स्टेप होता है। तो मैं आपको तभी बताता हूँ कि जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल लेक्चर करवाता हूँ ना, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि उसके बाद ये करो, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हम नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री एक सीरीज वाइज टॉपिक बना लें, ठीक है। तो आपको यही कंसेप्ट मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके अभी आपके पास नोट्स नहीं है, तो जिसके रिगार्डिंग आपके पास जैसे ये लेक्चर अवेलेबल हो पा रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, खुद को एक नोट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है, खुद को हमें क्या बनाने, नोट्स क्रिएट करने हैं उसमें, ठीक है। तो आज हम एक कंसेप्ट सीखेंगे इसके अंदर, परचेज और सेल्स के अंदर जो ट्रांजेक्शन होती है वो कैसे मैंशन की जाती है,
तो पहले मैं यहाँ क्या कौन सी बता रहा हूँ आपको, परचेज को लेकर ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसी के अंदर जैसे मान के चलो आपने कोई गुड्स वगैरह परचेज किया, हमने क्या किया है गुड्स परचेज किया अपन ने, ठीक है भाई। मान के चलो मैंने इतने की गुड्स वगैरह परचेज कर ली, जिसमें उसने मेरे को क्या कहा है कि इसके अंदर आपको क्या इंक्लूड करना है, एसजीएसटी और सीजीएसटी इंक्लूड करना है, कितना परसेंट करना है आपको 12%, मतलब 6% ये होएगा और 6% ये होएगा, तो टोटल कितना आपका 12% है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। जो आपने परचेज किया है वो मैंने किसी अनिल नाम का कोई कैंडिडेट है उससे मैंने परचेज किया, ठीक है भाई। जो भी मैंने परचेज किया है वो किया किससे, मैंने अनिल से परचेज किया, ठीक है। एक लास्ट बात और बता देता हूँ आपको इसके अंदर, जब भी हम मैंने आपसे एक बात पूछी थी, मैं एक बात दोबारा पूछ लेता हूँ भाई। मैंने इतने का परचेज किया है, ठीक है 50,000 का, इसके ऊपर 6,000 का क्या लग रहा है टैक्स इंक्लूड है, मैंने सेल इतने का कर दिया उसके ऊपर कितना टैक्स इंक्लूड है ये, तो परचेज के टाइम ये है और सेल्स के टाइम ये है, ठीक है। तो अब ये जो टैक्स है भाई, परचेज के टाइम तो मैंने इतना टैक्स पे कर दिया था, सेल्स के टाइम जो टैक्स की वैल्यू वो इतनी बन रही है, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जब मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा सेल्स के टाइम जितना जो मेरे को टैक्स पे करना है, क्योंकि परचेज के टाइम तो मैं इतना कर चुका हूँ, ठीक है। तो जब भी बाद में मैं सेल के टाइम जब मैं गवर्नमेंट को अगर टैक्स पे करूंगा तो वो 6,000 पे करूंगा या 7,200 पे करूंगा या फिर मैं 1,200 पे करूंगा, ये बताना था आपको, ठीक है। अब हमें जो पे करना है वो कितना करना है, देखो परचेज के टाइम हम कितना कर चुके हैं 6 कर चुके हैं, अब कितना और करना है 1,200, तो टोटल कितना हो गया आपका 7,200। जो इस बार पेमेंट होगी वो कितनी होगी, 1,200 की पेमेंट होगी। इसके अंदर क्या होता है, परचेज को लेके जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन होती है प्लस सेल्स को लेके जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। तो परचेज को लेके जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन होती है उसके अंदर दो टैक्स इंक्लूड करे जाते हैं, पहला किस नाम से इनपुट एसजीएसटी और सेकंड क्या होता है इनपुट सीजीएसटी, ठीक है। सेल्स के टाइम क्या होता है आउटपुट एसजीएसटी और सेकंड मिलेगा आउटपुट सीजीएसटी, ठीक है। तो अब मान के चलो आपने आपके पास टोटल 8 ट्रांजेक्शन है, 4 ट्रांजेक्शन किसकी है परचेज की और 4 ट्रांजेक्शन जो है वो किसकी है सेल्स की। अब इसने कितने का परचेज किया हो बाद में, कितने का वो क्या कर रहा है सेल कर रहा है किसी दूसरे बंदे को, क्या आपका कोई और सेल कर रहा हो इस ट्रांजेक्शन को बिना, मतलब इसी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड नहीं है, अलग से वो किसी बंदे को सेल कर रहा है, ठीक है। तो 4 एंट्री के अंदर परचेज की, 4 एंट्री के अंदर क्या इंक्लूड हो रहा है इनपुट एसजीएसटी इनपुट सीजीएसटी, एक एंट्री के अंदर हो गया, दूसरे में भी हो गया, तीसरी एंट्री में भी हो गया, फोर्थ में भी हो गया। तो जितना इसका टोटल बनेगा टैक्स का अलग अलग अमाउंट के ऊपर, भाई मान के चलो एक 20,000 है, आगे 30,000 है, उसके बाद 25,000 है, उसके बाद 15,000 है, मतलब चारों अमाउंट के ऊपर अलग अलग टैक्स इंक्लूड हो रहे हैं। तो जितना भी चारों के ऊपर अलग अलग टैक्स इंक्लूड होएगा ना, उन सब का आप क्या कर लेंगे टैक्स का टोटल कर लेंगे, कौन से का इनपुट एसजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी का, ठीक है। ऐसे ही हमें क्या करना है, सेल्स की जो 4 एंट्री है उसके अंदर क्या क्या काउंट होएगा, पहली एंट्री के अंदर इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी, सेकंड एंट्री के अंदर भी यही होएगा, थर्ड के अंदर भी यही होगा, फोर्थ के अंदर भी यही होगा। तो जितना ये टैक्स लगेगा उनका आप क्या कर लेंगे टोटल कर लेंगे, ठीक है भाई। मैंने जितना इसमें टैक्स बना था भाई इनपुट और इनपुट एसजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी को लेके जितना टोटल बना था उसमें से मैं क्या कर दूंगा सेल्स का आउटपुट एसजीएसटी और सीजीएसटी का जो टोटल बनेगा उसको मैं क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे हम क्या करते हैं, इसका टोटल ये था, इसका टोटल ये है, कितना डिफरेंस आ रहा है 1,200 रुपये, तो ये 1,200 आप गवर्नमेंट को पे कर देंगे, ठीक है। तो इसका टोटल टैक्स का मान के चलो 15,000 है, इसका कितना है 13,000 है, तो कितना रह गया 2,000, ठीक है। तो ये कंडीशन निकल के इसका मान लो 17,000 है, तो कितना रह गया 2,000, 15,000 मैं पे कर चुका हूँ, 2,000 और पे कर दो, तो टोटल कितना पे कर रहे हैं आप 17,000 पे कर रहे हैं। मतलब आपको सिर्फ यही करना है कि इसके अंदर जितना भी ट्रांजेक्शन के अंदर परचेज को लेके जितना भी टैक्स इंक्लूड हो रहा है, चाहे वो कितनी एंट्री में हो रहा हो, 5, 10, 15, 20 जितने में भी, उसका टोटल कर लो,
और फिर बाद में आपको क्या करना है, सेल्स जब आप कर रहे हैं तो सेल्स के रिगार्डिंग अलग अलग अमाउंट के ऊपर अलग अलग, मतलब टैक्स तो वही रहेगा, अमाउंट चेंज हो रही है तो अलग अलग अमाउंट के ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसका टोटल कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, जो परचेज का टोटल आएगा टैक्स का, उसमें से हम क्या कर देंगे, सेल्स का टैक्स माइनस कर देंगे, और जो कंडीशन बचेगी, जो अमाउंट बचेगी, वो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे कर देंगे। और गवर्नमेंट को पे करेंगे वो किससे करनी है, चेक से करनी है। तो लास्ट वाली एंट्री किससे बनेगी आपकी, बैंक से ट्रांजेक्शन होगी, जिसका ऑलवेज बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो चेक से पेमेंट करेंगे वो हमारी किससे होगी, चेक से होगी। और जब भी आप चेक से पेमेंट करोगे गवर्नमेंट को, तो एंट्री किसके अकॉर्डिंग जाएगी, आपकी पेमेंट वाउचर के अकॉर्डिंग जाएगी। तो ये हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट है इसमें, ठीक है। तो एक हम अपन इसमें ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, ये तो एक छोटा सा इसका प्रोसेस है, एक बार इसको देखो और इसको नोट करो। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो जैसे ही आपके लेक्चर के अंदर अपलोड होगी तो उसके रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हो, डाउट क्रिएट कर सकते हो उस वीडियो के नीचे। अदरवाइज आप वहाँ नहीं करना चाह रहे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका बना हुआ है उसी के अंदर आप क्या करोगे, डाउट क्रिएट करोगे, ठीक है। तो एक बार इसको देखो और नोट करो। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट होता है किसी भी टाइप से आप डाउट कर ले सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ ताकि आगे मैं आपको एक एंट्री करने का प्रोसेस बता दूँ, ठीक है। उन एंट्री को करने का प्रोसेस तो मैं भी आपको बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जो टैक्स वगैरह जो जैसे भी है वो मैंने आपको बता दिया। अब इन्हीं थ्योरी को लेके जो कंडीशन, मतलब ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग जो टैक्स एवेबल वैल्यू ऐड होगी, वो ट्रांजेक्शन अभी बता रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले आपको थ्योरी बताना भी ज़रूरी था, ठीक है। तो मैं इसको भी रफ कर रहा हूँ, आप नोट कर लेना बाद में। तो सबसे पहले हम जो ट्रांजिशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं परचेज की, ठीक है। परचेज के अंदर सबसे पहले क्या लिखा होता है, पार्टी नेम, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा होता है, करंट बैलेंस, और उसके बाद क्या लिखा होता है, परचेज लेजर लिखा होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑप्शन होता है परचेज के अंदर, ये जो ऑप्शन होता है वो होता है इनवॉइस का। इसके अंदर हम क्या नहीं करेंगे, ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। जो ट्रांजेक्शन करनी है वो किसके अकॉर्डिंग करनी है, अकॉर्डिंग टू वाउचर। मतलब जैसे आपने F9 का बटन प्रेस किया तो आपके पास ये ऑप्शन आएंगे, आपको वहाँ क्या करना है, अकॉर्डिंग टू इनवॉइस की बजाय आपको अकॉर्डिंग टू वाउचर एंट्री करनी है। तो जिसके लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस वी करना पड़ेगा। तो जैसे आप कंट्रोल प्लस वी करोगे तो वहाँ क्या ऑप्शन आ जाएंगे, डेबिट और क्रेडिट के ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। अब मान के चलो कि हमने क्या किया है, कोई गुड्स परचेज की है, कितने की, 20,000 की, ठीक है। मैंने 20,000 की गुड्स परचेज की है, तो आपको पता है कि मैंने ये बोला कि परचेज की है, कितने की, 20,000 की। तो परचेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो मैंने इसको कितने अमाउंट से डेबिट कर दिया, 20,000 से डेबिट कर दिया, ठीक है। उसने कहा है कि आपको इसकी अमाउंट के ऊपर 12% का टैक्स इंक्लूड करना है। तो टैक्स इंक्लूड जो करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करना है, CGST और IGST के अकॉर्डिंग इंक्लूड करना है। तो 6% ही है, 6% ही है। तो आपको जो जनरल एंट्री करनी है वो मैं बता देता हूँ, आपको एंट्री करनी है वो करनी है F9 के वाउचर में, परचेज के वाउचर में, ठीक है। तो वहाँ जो बैलेंस आएगा वो क्या आएगा, आपका डेबिट आएगा, क्रेडिट आएगा। वहाँ बैलेंस जो आता वो क्या आता, आपका डेबिट, ठीक है। तो जैसे हम क्या करते हैं, परचेज को हमने डेबिट कर दिया 20,000 से, उसने कहा है कि इसके ऊपर टैक्स इंक्लूड करना है। तो एक लेजर किस नाम से बनाऊंगा, इनपुट SGST, और एक लेजर जो बनाऊंगा वो किस नाम से बनाऊंगा, इनपुट CGST। और कितना कितना टैक्स इंक्लूड करना है, 6% और 6%। लेकिन एक बात याद रख लेना, जब आप ट्रांजेक्शन करने जा रहे हो तो ट्रांजेक्शन करने से पहले आपको क्या करना है, GST का जो आप ऑप्शन करते हैं ना, आपको याद होगा जो मैंने स्टार्टिंग का पॉइंट बताया था, F11 के बाद F3 प्रेस करते हैं, और वहाँ पे GST के पहले दो ऑप्शन क्या करते हैं, आप यस करते हैं। जब तक आप ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं करोगे ना, तब तक आपका ये टैक्स शो नहीं करेगा इसके अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या जाएगा, GST के अंदर ये वाली कंडीशन अप्लाई कर लेना आप, पहला पॉइंट।
बाद में सेकंड पॉइंट ये आपका, ठीक है, बाद में जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, ठीक है। तो जैसे ही इसमें क्या कहा उसने कि इसमें जो टैक्स हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है, ठीक है। तो कितना कितना 12%, तो 6% कितना हो जाएगा इसका 1200, और इसका भी कितना हो जाएगा 1200, ठीक है। और जो उसने परचेज किया है, किसी क्रेडिटर से परचेज किया है, ठीक है। एक बात और एक बात सुनो, जैसे मान के चलो कोई एंट्री आती है गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, अगर मान के चलो उसका नाम नहीं लिखा हुआ तो वहाँ क्या लिखा हुआ मिलेगा, क्रेडिटर लिखा हुआ मिलेगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्रेडिट में क्रेडिटर कर देना, क्रेडिटर क्रेडिट में क्या करना है, क्रेडिटर, ठीक है। हमने जो उससे परचेज किया था बंदे से, क्रेडिटर से, वो कितने का परचेज किया था, 20 का परचेज किया था, उसके अंदर कितना टैक्स इंक्लूड हो गया पता ही आपको। तो जो टोटल पेमेंट करेंगे वो कितने करेंगे आप, 22400। क्रेडिटर के अमाउंट में कितना आ जाएगा, 22400, ठीक है। हमने एग्जैक्ट तो इतने का परचेज किया था, टैक्स इतना इंक्लूड हो के, तो अपने को क्रेडिटर द गिवन, उसने हमें क्या किया, माल परचेज किया, तो वो तो क्रेडिट होएगा। अब उसको पेमेंट कितनी मतलब क्रेडिट मतलब वो क्या कहता है, क्रेडिट द गिवन, उसने कितने अमाउंट का दिया मेरे को, इतने का, तो मेरे को उसकी क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी बाद में, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन ऐसे करनी है आपको, सिंपल, जैसे आप एंट्री करते आ रहे हैं, सबसे पहले परचेज का लेजर बना लेना, डेबिट कर देना, अमाउंट मेंशन कर देना, उसके बाद आपसे वो डेबिट करना है। डेबिट के अंदर आप क्या करोगे, ओल्ट प्लस सी करोगे। हाँ, एक बात और बता देता हूँ, जैसे आपने क्या किया, वहाँ डेबिट का जो ऑप्शन होता है वहाँ पे आपने लेजर बना लिया परचेज का, और परचेज का डेबिट करके आपने अमाउंट मेंशन कर दी 20,000। बाद में आपने ओल्ट प्लस सी करके लेजर कौन सा बना रहे हो, इनपुट SGST, आगे लिख देना @6%, ठीक है, आगे लिख देना @6%, उसको अंडर कर देना ड्यूटीज एंड टैक्सेस, उसके बाद टाइप ऑफ ड्यूटी लिखा आएगा, उसमें क्या करेंगे GST, उसके बाद टैक्स पूछेगा वहाँ पे कौन सा टैक्स है, तो वहाँ पे कौन सा सिलेक्ट करेंगे, स्टेट, उसके बाद पूछेगा परसेंटेज टेज ऑफ अमाउंट, वहाँ पे 0% मिलेगी, लेकिन आपको वहाँ क्या करना है, 6% लिखना है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6% टाइप करेंगे, तो जैसे आप 6% टाइप करते हैं तो उसके रिगार्डिंग वो 6% की वैल्यू दिखा देगा आपको। ऐसे आप किसका बनाओगे, इनपुट CGST का बनाओगे, बिल्कुल डिक्टो है। अगर आप सेल्स की एंट्री करते हो, ठीक है, परचेज की एंट्री के टाइम बंदा हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, और सेल्स की टाइम जो कैंडिडेट होएगा वो हमेशा क्या होगा, डेबिट होएगा, और टोटल आपने सेल करी कितने की, ठीक है। अब उसमें उस केस के अकॉर्डिंग क्या निकलेगा मैं आपको बता देता हूँ भाई, उस कैंडिडेट का नाम तो डेबिट हो जाएगा, टू में क्या आ जाएगा, आउटपुट SGST, फिर लेजर बनाओगे आउटपुट CGST का, और फिर लेजर किसका बनाओगे, सेल्स का। भाई मान के चलो आपने इतने का सेल किया उसको 20,000 का, उसके ऊपर ये टैक्स लग गया, तो कितनी पेमेंट करेगा वो, 22,400 की, सिंपल, ठीक है, जो अपन नॉर्मल सेम डिक्टो एड थे, उसमें 20,000 ऊपर था उसमें नीचे है, ये दो डेबिट थे वो क्रेडिट है, इसकी टोटल अमाउंट ये है उसकी डेबिट है, बस ये फ़र्क है, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर लो थ्योरी को, ठीक है, अच्छे से एक बार ये पॉइंट ऑफ क्लियर कर लो, अगर इसमें फिर भी कोई डाउट होता है तो आप डाउट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, एक बार नोट करो इसको। ठीक है, जैसे अपन नॉर्मल जनरल एंट्री करते हैं ना, परचेज की सेल्स की डिक्टो, वैसे ही एंट्री करनी है, बस आपको ये लेजर बनानी है और कुछ नहीं है, और एंट्री इसकी F9 में और उसकी F8 में एंट्री हो जाएगी। और बाद में जैसे मान के चलो आप ये एंट्री कर रहे हो ना, और बाद में हमें क्या करना है, सारा इनपुट का टैक्स जितना भी है वो टोटल कर लेना, ठीक है, जितना भी क्या होगा इनपुट का टैक्स, इसमें एक बार रफ कर देता हूँ मैं, जितना भी हमारे पास क्या होगा, इनपुट SGST और प्लस CGST, ठीक है, इसका क्या कर लेंगे आपा, टोटल कर लेंगे, फिर आउटपुट का जो होएगा उसके अंदर SGST और एक कौन सा मिलेगा, CGST, इन दोनों का आपा क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। तो इस में से
आउटपुट वाला टोटल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो भी अमाउंट बचेगी आपकी, जो भी अमाउंट बचेगी उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, सिंपल एंट्री बनानी है टू बैंक अकॉर्डिंग। अब डेबिट में क्या करोगे बताओ, डेबिट में क्या हो जाएंगे आपके इनपुट और आउटपुट का केस निकल। ठीक है, आज का हमारा यही कंसेप्ट है, आज हम यही करेंगे। ठीक है, हमारा जो आगे मैं आपको जो नेक्स्ट टाइम जो आप करेंगे, नेक्स्ट डे जो हम करेंगे वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। उसके बाद क्या होता है, जीएसटी हम ये परचेज सेल्स की एंट्री तो कर रहे हैं, ठीक है, इसी के अंदर हम क्या करेंगे विद टैक्स के साथ जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो रिटर्न की करेंगे हम। ठीक है, जो थ्योरी चलेगी वो किसकी चलेगी, रिटर्न की थ्योरी चलेगी, और उससे नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, उसी का आपका प्रैक्टिकल वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करो जितने से जितना हो सकता है इसके अंदर वो चीज़ क्लैरिफाई करो, जितने भी तुम्हारे डाउट है वो डाउट लो। ठीक है, और बस पढ़ते रहो। ठीक है, ओके स्टूडेंट।